राम राम किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का वीडियो में। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आप बात करेंगे भाई, नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। जैसे फूल गोभी हुई, बैंगन हुई, बताओ जैसे मिर्च मिर्च आदि की, प्याज आदि की पनीर कैसे तैयार करते हैं भाई। सभी का मेथड एक ही होता है भाई, जो पनीर डालने का मेथड एक ही होता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई। तो किसान साथियों, पहले ये देखो भाई, ये बेड है ये बिल्कुल तैयार कर दिया भाई मैंने, चेरी निकाल के और बिल्कुल लाइन लिख के निकाल के बिल्कुल तैयार कर दिया, आप ध्यान से देखो भाई। तो किसान साथी, पहले बात करते हैं भाई पनीरी के लिए जो मिट्टी होती है भाई, आपको है ना सूखी मिट्टी होनी चाहिए भाई, बिल्कुल ऐसे नहीं कि गिल्ले में ही पनीरी जो बाज ओढ़ के ना और जुताई करके तैयार कर दी, वैसे नहीं भाई, सूखी होनी चाहिए। आप देखो भाई, मेरी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, जो हल्की नमी होगी चल जाएगी, मेरी में भी नीचे हल्की नमी है भाई, हल्की नमी चल जाएगा। अगर ज़्यादा गिल्ले में डालोगे ना तो फिर भाई जैसे पनीर टेढ़ी हो जाएगी, आधा बीज उगेगा आधा उगेगा ही नहीं, जर्मिनेशन कम होगा भाई, और उगने के बाद ही पौधे ख़त्म होने लग जाएंगे और कहीं से टेढ़ी हो जाएगी पनीर कहीं पर आ रही, और वो बढ़िया तैयार नहीं होगी भाई, पीड़े पीड़े छोटी छोटी रह जाएगी, जहाँ नीचे जड़ों की ग्रोथ बढ़िया होगी भाई। इसलिए सूखे में डालनी चाहिए भाई, मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। और किसान साथियों, इसके लिए पनीर के लिए भाई पानी बिल्कुल बढ़िया पानी होना चाहिए भाई, जैसे हम नलके का पानी जो होता है अपन घर पे घर पर पीने के लिए यूज़ करते हैं, वो पानी चाहिए होता है भाई पनीर तैयार करने के लिए। खारे पानी पनीर ही नहीं होगी भाई, हल्के पानी पनीर ही नहीं होगी, इसलिए आप के पास हल्का पानी भाई वो रिस्क ना ले भाई, क्योंकि आजकल हाईब्रिड बीज है भाई, महंगे बीज आते हैं, नुकसान हो जाएगा, इसलिए भाई रिस्क ना लें। मीठा पानी है तो आप डाल सकते हो, तैयार हो जाएगी। और पानी उतारने की भी भाई, जैसे बारिश बारिश पानी ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर उचित सुविधा होनी चाहिए भाई, उचित निकासी होनी चाहिए पानी उतारने की भी। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं भाई नए बेड कैसे बनाए। तो किसान साथियों, आपकी जो ये जो बेड है, देखो यहाँ से लेके ये जो बेड है यहाँ तक का ये जो लंबाई है, यहाँ से लेके इस कोने से बेड की उस कोने तक की लंबाई जो है वो देखिए भाई हमने 15 फीट, आप 12-13 जो भी रखे 10-12 या 15-15 से ज़्यादा मत रखना, 15-10 फीट ज़्यादा लंबाई ज़्यादा बड़ा छोटा कर दोगे बेड को तो ऊंचा नीचा होगा भाई, ऊंचा नीचा होने का कहीं पे पानी ज़्यादा लगेगा और कहीं पे कम, और पनीरी कहीं पे हरी कहीं पे पीली ये होगा भाई। और चौड़ाई जो रखी है हमने 3 फीट, यानी 3 फुट जो है इसकी ये जो चौड़ाई है ये हमने रखी है भाई, 3 फुट इसकी चौड़ाई रखी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है भाई। और किसान साथियों, मैंने ये एक डब्बा चौरस डब्बा बना रखा है ये देखो, और इसके अंदर 3 बेड बनाए हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं भाई, एक भी बना सके, दो भी बना सके, तीन, तीन से ज़्यादा मत बनाइए, वगैरह जहाँ बड़ा होगा तो फिर वो ऊंचे नीचे होंगे भाई, ज़्यादा वो एरिया लोगे तो। तो किसान साथियों, बेड जो है ज़्यादा जैसे आपको बिल्कुल आराम से बिल्कुल एक साथ बनाने हैं भाई, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा देखो बिना नहीं रहेंगे भाई, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चल जाए हल्का फूका, ज़्यादा ऊंचा नीचा होगा तो फिर वो दिक्कत हो जाए भाई, बिल्कुल एक साथ बनाने हैं भाई। और किसान साथियों, आज मैं आपको दिखाता हूँ वो आगे किस प्रकार से बनाया, मैंने मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पनीर जो है एक नंबर की तैयार होगी भाई, आपने पहले भी कई वीडियो में मेरी पनीर देखी होगी भाई, बहुत बढ़िया पनीर तैयार होती है। पहले जो हम जैसे बेड बना के ये जो साइड खाली होगी मिट्टी, जैसे इस पर डाल दी, इस पर डाल दी, ये खाड़ियाँ बना दी है भाई, बेड अपने बना दिए हैं। उसके बाद भाई इनको एक साइड करके हमने इनको भाई कूट लिया है जैसे कस्सी के साथ में, इस प्रकार से ये देखो, ये मैंने पहले से ही कूट रखे हैं भाई ये बेड। और किसान साथी, कूटने का फायदा ये होगा कि जो मिट्टी जो है वो थोड़ी सी दब जाएगी भाई, और जैसे हम पानी देंगे, पानी देने के बाद जब मिट्टी सूखेगी तो है ना भाई दरारें नहीं फटेगी भाई, कई बार आपको देखा होगा बेडों के अंदर दरारें पड़ने लग जाती है, वो इसी कारण पड़ती है भाई। और किसान साथियों, इसे दबने से जैसे भाई मिट्टी जो है वो बारीक हो जाएगी, डगड़ियाँ जो है वो फूट जाएगी, डगड़ियाँ नहीं रहेगी। और उसके बाद जो है आपको इनको फिर से हल्का हल्का जैसे उगाड़ देना भाई, इस प्रकार से हल्का हल्का उगाड़ देना है, देखो इस प्रकार से उगाड़ने के बाद भाई आपको जो है फट्टी देनी है भाई, जैसे जो काम की फट्टी होती है ये देखो आप, ये देखो मैंने लगा रखी है। उसके बाद जैसे फट्टी कैसे लगानी है आपको, इस प्रकार से देखो आप, और जो थोड़ी बहुत जो डगड़ियाँ जैसे ये बची हुई है ये भी इकट्ठी होकर आ जाएगी, और फिर आपको निकालनी है इसके अंदर चैरिया। चैरिया निकालने के लिए भाई मैंने छोटा सा जुगाड़ बना रखा है लकड़ी का, इसकी कोने से कोने की दूरी भाई ये 2 से 2.5 इंच दूरी है भाई, 2.5 इंच दूरी है इसकी, और आपको इस प्रकार से चैरिया निकालनी है।
कुछ लोग भाई सदिये के साथ में भी निकालते हैं, किसी भी चीज़ से निकालो भाई, बस ऐसे चैदियाँ निकलनी चाहिए भाई, मुझे इससे आसानी रहती है भाई, जल्दी निकल जाती है, इसलिए मैंने जुगाड़ बनवा रखा है। चैदी से ये फ़ायदा होगा कि भाई बीज मरेगा नहीं, जो बीज का जमाव बढ़िया होगा, और कुछ लोग भाई छिड़का विधि से डालते हैं, उससे भाई बीज का जमाव पूरा नहीं होता, बीज जो है रह जाता है, और इससे भाई बारिश आने पर भी चैदी में अंदर जड़ें दबी रहती है भाई, चैदी का ये भी फ़ायदा होता है भाई, छिड़का विधि में जड़ें ऊपर आ जाती है। तो किसान साथियों, कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीज कैसे डालना है और पानी कैसे डालना है, कौन सी खाद डालनी है, किस प्रकार से डालना है भाई। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, आज के लिए जय जवान जय किसान।